हेलो एवरीवन, मानवी शेखर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी एंड मोटिवेशन पर। जैसा कि आज 11 जुलाई 2023 है, तो 11 जुलाई 2023 की जितनी करंट अफेयर्स हैं उनको हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको इसका पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उससे जाकर आप टेलीग्राम से आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है किस दिन? 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जुलाई में इम्पॉर्टेंट डेट हम याद करेंगे तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, और 1 जुलाई को चार्टर अकाउंटेंट डे और जीएसटी डे मनाया जाता है, और 4 जुलाई को मनाया जाता है यूएसए का इंडिपेंडेंस डे, मतलब यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को, और 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे, वर्ल्ड जूनोसिस डे, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा जो है उसको वापस कर ली? तो किसने लिया ये वापस? तमीम इकबाल। किसने? तमीम इकबाल। ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा वापस ले ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कहाँ पर शुरुआत की है? आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत लद्दाख में की है। तो भारतीय सेना ने लद्दाख में आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है। लद्दाख, लद्दाख की जो है राजधानी क्या है? लेह है। और यहाँ पर हेमिस त्यौहार जो लद्दाख में मनाया जाता है, ये फेमस त्यौहार है लद्दाख का। भारतीय सेना ने लद्दाख में अभ्यास अग्नेयस्त्र 1 का आयोजन किया है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरुआत किया है, और भी आउटरीच कार्यक्रम शुरुआत किए हैं। और 5 दिवसीय मूनलम चेनमू उत्सव लेह में हुआ है, लद्दाख की राजधानी लेह में हुआ है, और लद्दाख की पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है। तो लद्दाख जो है, लद्दाख की राजधानी लेह है, और लद्दाख में हाल ही में हिम तेंदुआ को लद्दाख का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर रखी है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी ने 10 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने कोच्चि केरल में पहली महिला शाखा ओपन की है? तो किसने ओपन की? ये पीरामल फाइनेंस ने। तो पीरामल फाइनेंस ने कोच्चि में पहली महिला शाखा ओपन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने एनजीटी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो एनजीटी राष्ट्रीय ग्रीन प्राधिकरण, तो इसके जो अध्यक्ष हैं कौन नियुक्त किए गए हैं? सेव कुमार सिंह। कौन? सेव कुमार सिंह। तो भारत पे ने अभी हाल ही में पंकज गोयल को अपना सीटीओ नियुक्त किया है, और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं आधव अर्जुन को नियुक्त किया गया है, और आईसीएआर की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नीरज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, और हाल ही में क्विक हील टेक्नोलॉजीज ने विशाल सालवी को अपना सीईओ नियुक्त किया है। अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये दुबई में, दुबई में पहले ग्लोबल शतरंज लीग का आयोजन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार नंबूथिरी का 98 वर्ष में निधन हो गया? तो ये कहाँ के थे? केरल के। केरल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना ये है कहाँ की है? हरियाणा की। हरियाणा की ये योजना है, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के जो गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय, और एनडीआरआई ने भैंस का क्लोन यहाँ पर तैयार किया था जिसका नाम हिसार गौरव था, और अभी हाल ही में एनडीआरआई ने ही मादा गाय का क्लोन तैयार किया है जो गिर नस्ल का है, इसका नाम गंगा है, और यहाँ पर कुंवारों और विधवाओं के लिए 2750 रुपये पेंशन योजना स्टार्ट हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया? महाबलीपुरम चेन्नई में किया गया है। तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2023 का आयोजन महाबलीपुरम में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर CBC की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? ये किया है श्रीनगर में। तो श्रीनगर में हाल ही में CBC की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DRI ने किस ऑपरेशन के तहत सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 25.26 करोड़ रुपए मूल्य का 48 किलोग्राम सोने का पेस्ट जब्त किया है? तो ये किस ऑपरेशन के तहत किया है? ऑपरेशन गोल्ड माइन। तो ऑपरेशन गोल्ड माइन के तहत 48 किलोग्राम सोने का पेस्ट जब्त किया गया है। तो जो ऑपरेशन देवी शक्ति है, ये ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ स्टार्ट किया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, और ऑपरेशन दोस्त जो इराक और तुर्की में भूकंप के समय सहायता प्रदान करने के लिए हमारे सैनिकों ने स्टार्ट किया था, और ऑपरेशन जो कावेरी है ये सूडान में भारतीयों को वापस लाने के लिए, ऑपरेशन जो उपलब्ध है ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ये स्टार्ट किया है कि किसी का सामान खोने ना पाए, और जो ऑपरेशन सर्द हवा है ये BSF ने ये स्टार्ट किया था। तो हम 11 जुलाई 2023 के जितने करंट थे अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।